तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यही है, जो आपको ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन हालांकि नहीं है, जो रेलवे जाता है, और बगल में मस्जिद है, जो कि हम अभी मुगला खाक के पास हैं। और बगल में मस्जिद है, ये देखो बड़ी मस्जिद है, जो मुगला खाक का यही बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर डबल लाइन का काम शुरू हो गया है, जैसा कि देख रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ये सब देखिए, वहाँ जो पहले का जो रेलवे का वो उधर है, और इधर जो है टूट के बनना शुरू हो गया है। और हम अभी यहीं पे मौजूद है और देख रहे हैं कि ये डबल लाइन कहाँ तक गया है, देखेंगे। तो अभी ये देखिए, पुराना रेलवे जो है, पुराना रेलवे पटरी के पास है, जो कि ये पुराना रेलवे पटरी है, और डबल लाइन का काम इधर हो रहा है। ये देखिए, डबल लाइन का काम हो रहा है, और ये डबल लाइन का काम कहाँ तक जाता है वो दिखाऊँगा मैं आपको। ये देखिए, जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये एक तालाब था, जिसे बोल रहा हूँ पानी था। ये देखिए, पानी बहुत गड्ढा था, ये भर चुका है, बोले तो दलदल था। और ये काम जो हुआ है, ये मुगला खार का बड़ी मस्जिद से स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ तक एंड हुआ है मैं वो दिखाऊंगा आपको, और कहाँ तक काम चल रहा है। तो अब इधर मिडिल स्कूल है, जो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हम यहाँ नहीं पढ़े हैं। तो ये जो है मेरा दोस्त, ये पढ़ते हैं, तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, है ना। अभी बंद है, अभी 21 जनवरी तक बंद है। और ये देखिए, लगातार काम हो ही रहा है, जैसा कि आप लोग दिख ही रहा होगा आपको। और ये सब कुछ गड्ढा भर चुका है, ये देखिए कब तक फाइनल होता है, तो आपको मैं बताते रहूँगा। तो चलिए चलते हैं उस साइड की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं सितंदर स्कूल के पास, जो कि जस्ट मिडिल के बगल में है, और ये जो नया बन रहा है, और पिछला गेट जो है बंद रहता है, हमेशा इसलिए बंद रहता है, जो कि यहाँ नाला है, जो कि दलदल है, इसी कारण ये गेट बंद रहता है, ये वाला गेट। पर पता चला है कि अब ये गेट खुलेगा, और बहुत जल्द खुलने वाला है ये गेट, जो कि अभी बहुत सालों से बंद है, जब से मैं देख रहा हूँ ये गेट बंद है दलदल के कारण। पर ये गेट अब खुलेगा, और नया ऐसा बन रहा है, कुछ अंदर काम वगैरह हो रहा है, और टाइल्स वगैरह अंदर कुछ बिछ रहा है। और हम पहुँच चुके हैं यही सितंदर स्कूल के पास, और देखिए इधर भी काम वगैरह हो ही रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जेसीबी वगैरह। तो अभी काम यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब भी थक गए हैं या आराम कर रहे हैं, मगर काम चालू है। और ये लगता है कि यहाँ से मुगला खार मस्जिद से लेके ये गया है सोफीदुल्ला तक, बोलो तो ये लाइन में, डबल लाइन में काम हो ही रहा है, वहाँ तक नहीं गया है, तो उससे भी आगे जोरों शोरों से काम चल ही रहा है। तो ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि कहाँ तक काम हो रहा है ये। तो चलिए आप लोग को भी दिखाता हूँ ये काम कहाँ तक हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ तक अभी काम हुआ है, और ये देखिए गाड़ी वगैरह आ ही रहा है, ये देखिए नाला, अब ये सब भराई नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये देखिए भराई होगा अभी, ये सब भी हो ही जाएगा। अभी यहाँ तक अभी काम पहुँचा है, यहाँ तक अभी काम हुआ है, ये सब अभी भरागा, ये जाएगा पूरा, वहाँ जुटेगा जाके। ये देखिए, तो चलते हम बाईपास की ओर। अभी हम आ चुके हैं बाईपास के नीचे, और ये रहा बाईपास, और ये बाईपास का जो है डबल लाइन का काम हो रहा है, रेलवे डबल लाइन का दम जोरों शोरों से काम हो रहा है। और वीडियो स्टार्टिंग जो किए हैं, ये मुगला खार का बड़ी नजदीक से स्टार्टिंग की है रेलवे डबल लाइन का। और ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये जो 4 लाइन का काम हो रहा है, रजौली बख्तियारपुर का काम हो रहा है, यहाँ भी न्यू इंसान नगर का ये सीन है जो आपको दिख रहा है, ये न्यू इंसान नगर का सीन है, यहाँ रिपेनर वगैरह बीत चुका है। और इस साइड रहा सद्भावना चौक, जो कि सद्भावना चौक में भी पूरा काम क्लियर हो चुका है, और इधर भी रिपेनर वगैरह का काम हो चुका है। और रहा बात डबल लाइन का, रेलवे डबल लाइन का, तो स्टार्टिंग जो हम किए थे आपको तो बताए हैं, मुगला खार का बड़ी मस्जिद से लेके ये देखिए यहाँ तक लगभग काम हो चुका है, बहुत दूर तक, काफ़ी दूर तक जा चुका है, तो उतना दूर मैं नहीं जा रहा हूँ, यहीं से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ तक काम हो चुका है, बहुत दूर तक, काफ़ी दूर तक काम होया हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और एक चैनल और है मेरा दोस्त का, मिक्स चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके क्लिक कर लीजिएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। ये जानकारी जरूर दें कि डबल लाइन का काम हो चुका है। तो हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।